नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही ईजी चैप्टर है, कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं होता। आप श्रद्धा से पढ़ोगे सारे चैप्टर ईजी होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे चैप्टर की, ठीक है। आपने सुना होगा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। मैं आपको पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आप साथ में एनसीईआरटी लेके बैठेंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स बच्चों होते हैं, बचपन में सुना ज़रूर होगा एसिड्स के बारे में, नहीं सुना था क्या? तो सुनो, एसिड जो होता है बेटा, क्या आते हैं? सॉवरेन टेस्ट, नहीं सुना क्या? बचपन में सोचते होते थे, पक्का सुना होगा, 8th क्लास में पक्का सुना होगा। 8th क्लास बचपन की क्लास होती है, ठीक है। एसिड आर सॉवरेन टेस्ट। बेसिस क्या होते हैं? बिटर एंड टेस्ट, बिटर एंड टेस्ट। और एसिड्स क्या होते हैं? सॉवरेन टेस्ट, जो बता रहा हूँ बच्चों। ये एग्जाम क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन वाला, लिख के ले लो। क्या आएगा? एसिड आर सॉवरेन टेस्ट। कैसा आएगा क्वेश्चन? राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। क्या आएगा? राइट एंड टू डिफरेंसेज बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। कितने मार्क्स में आ जाएगा? 1 मार्क्स में आ जाएगा। नहीं सुनोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो लिखो, एसिड्स आर सॉवरेन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड में। किसमें? ब्लू लिटमस को रेड में। अब सर ये लिटमस क्या होता है? सर ये लिटमस क्या होता है? हमें तो पता ही नहीं लिटमस क्या होता है, बताता हूँ ना अभी, रुक जाओ। और जो बेसिस होते हैं बच्चों, रेड लिटमस को ब्लू में कर देते हैं, ठीक है। देख देते हैं रेड लिटमस को ब्लू में। बच्चों गंदी राइटिंग आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अरे मेरे पास पेन नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी मैं माउस से लिख रहा हूँ, कर्सर से लिख रहा हूँ, तो गंदी राइटिंग आ रही है, सॉरी, ठीक है। अब जो है सोर क्या होते हैं? एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कर देते हैं, बेसिस होते हैं बिटर, रेड लिटमस को कर देते हैं ब्लू में। अब क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे भैया? ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमने आपसे पूछा था कि लिटमस होता क्या है। तो लिटमस बच्चों होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो बताते हैं बाय चेंजिंग इट्स कलर। बेसिकली इंडिकेटर्स वो चीज़ होते हैं जो अपना कलर चेंज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडिया, ठीक है। इतना आसान तरीके समझा रहा हूँ। जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि ओलफैक्टरी इंडिकेटर्स। चलो वो बातें बाद में करेंगे, पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बातें जान लेते हैं। आपने बचपन में कड़ी खाई होगी, खाइए कड़ी, ज़रूर खाई होगी यार। अगर आपने कड़ी खाई है तो आपने देखा होगा जब आपके कपड़ों पर कड़ी गिर जाती है, मान लो कि आपका कपड़े हैं, थोड़ी बदतमीजी भी करनी चाहिए हमें थोड़ी पढ़ाई के साथ साथ, है ना, ताकि आपका मनोरंजन होते रहे, ठीक है। आपके कपड़ों में कर गई है कड़ी, क्या कर गई है? कड़ी। अरे भैया कड़ी कर गई है, आप क्या करेंगे? मम्मी डांटेंगी। तो आपने जब कड़ी देखा यहाँ पे कर गई आपकी कड़ी, कड़ी कर गई, ठीक है। अब जब उसे साफ़ करने की कोशिश करेंगे, भैया साफ़ हो जा, साफ़ हो जा, साफ़ हो जा, साफ़ हो जा, तो क्या होगा बताए? कुछ नहीं होगा। ये कन्वर्ट आप लेंगे अपने घर से सोप, भैया सोप लेके आ जाओ, सोप लेके आ जाओ। और आप सोप लेके आओगे ना, बताइए क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी आपके रेडिश ब्राउन कलर में। कौन से कलर में? रेडिश ब्राउन कलर में। ऐसा कुछ कलर बन जाएगा यहाँ पे, ऐसा, ये तो रेड है पूरा, पर रेडिश ब्राउन कलर बन जाएगा यहाँ पे, बहुत गंदा सा ऐसा रेडिश ब्राउन कलर बन जाएगा, ठीक है। ऐसा डॉट टाइप कलर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि सोप्स होते हैं कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। कैसा तो सोप्स? बेसिक इन नेचर। तो मैंने आपको क्या बताया? आपने बचपन में कड़ी खाई होगी, कड़ी आपके कपड़ों पे गिर गई, वो कपड़े को आपने सोप से साफ करने की कोशिश करी, किस में कन्वर्ट हो गया? रेडिश ब्राउन कलर में। वो रेडिश ब्राउन कलर में क्यों कन्वर्ट हुआ? सोप्स होता है बेसिक इन नेचर। अब भैया आप मुझे एक बात बताओ, आप पहले इंडिकेटर्स कह रहे थे, बच्चों बताओ मुझे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कलर चेंज कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडिया। अच्छा भैया, इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है, इंडिकेटर्स का दो टाइप के होते हैं। हाँ बच्चों, इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, यह होता है नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब बता क्या हुआ? सिंथेटिक मतलब मान लो सिंथेटिक हुआ जो आपके खुद नहीं इंडिकेटर, मतलब कि फॉर एग्जांपल नेचुरल जो चीज़ नेचुरल होती है, सिंथेटिक जो होती है भगवान की बनाई हुई नहीं है। और नेचुरल का मतलब नेचुरल जो भगवान की बनाई हुई है। नेचुरल का एग्जांपल ले लो लिटमस हो गया, नेचुरल एक और एग्जांपल ले लो जस्ट टर्मरिक, क्या हल्दी, ठीक है। और सिंथेटिक एग्जांपल लो, सिंथेटिक एग्जांपल आपका निश्चित रखा है वैसे, इसका एग्जांपल मुझे पता है वो है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा दी मैंने आपको, समझ रहे हो आप? बातों बातों में आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करा दी मैंने, देखिए सब बता दिया मैंने, ये सब जो बताइए वो लिख दिया अगर तो टॉप मार जाओगे, पहले बता रहा हूँ, 100 में से 100 आ जाएंगे मेरी बात को नोट कर लिया तो। सिंथेटिक इंडिकेशन का मतलब रखे मिथाइल ऑरेंज ऑफ फिनोप्थलीन। बट तो जो पहला पेज है ना कोई पढ़ता नहीं है, मेरा ऐसा मानना है पहला पेज कोई इंपॉर्टेंट पढ़ता नहीं है, और पहले पेज में बहुत कुछ समझ जाते हैं। जैसे मैं बता दिया आपको इंडिकेटर्स क्या बताते हैं, ये बता दिया मैंने कि अपने चेंज करा कर देते हैं, जैसे सबसे ऑर्डर चेंजेस एसिडिक और बेसिक मीडिया। इंडिकेटर्स, हाँ मैंने क्या बताया था आपको पहले, ओला फैक्ट्री की बात हुई थी। ओला फैक्ट्री क्या मतलब हुआ? ओला फैक्ट्री जब भी कुछ संबंधित हो तो कुछ स्मेल से संबंधित होता है, ऑर्डर से संबंधित होता है, फ्रेगनेंस से संबंधित होता है, ठीक है। तो समझिए हमेशा कि ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी ऑर्डर
स्मेल फ्रेगनेंस चेंज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडिया, यानी कि ओलफैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होंगे जिनकी स्मेल चेंज हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडिया। बेसिक है, एग्जांपल क्या बताएं, वनीला हो गया, अनियन हो गया या क्लोव हो गया, ये सारे ओलफैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सारी एक्टिविटीज़ को पढ़ना, वरना मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी एक्टिविटीज़ को पढ़ाऊँ, कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं आपके। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, ये वाली एक्टिविटी पढ़ाए थे, इंपॉर्टेंट लग रही है। ठीक है, आपको क्या लेना है, कैपेरेटस लेना है जैसे फिगर में रखा है आपका, आपको 5 ml ऑफ क्या लेना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डेथ क्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स इन इट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ ग्रीन ग्रैन्यूल्स, पास द गैस बीइंग इवॉल्वड थ्रू द सॉप सॉल्यूशन, व्हाई बबल्स फॉर्मड इन सॉप सॉल्यूशन, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड ट्यूब, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आ जाए नीचे बढ़ते हैं, ये क्या होता है बटी, देखिए यहाँ पे क्या है, नोट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट, दैट द मेटल ऑफ अ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज एज एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है बताइए, उन्होंने क्या लिया था आपको पता है, ये पता आपने सुना नहीं होगा पर मैंने आपको पढ़ाया तो था अभी अभी, उन्होंने लिया था हाइड्रोजन H2SO4 सॉरी उन्होंने लिया था H2SO4 पर साथ में क्या लिया था, जिंक के लिए थे ग्रैन्यूल्स, क्या लेते हैं जिंक के ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लिए उन्होंने, तो पता है क्या बनेगा, ऑब्वियसली बात है ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, H2 गैस, क्या निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी। सिंपल सी बात है, लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये बता दी मैंने आपको, ये आ सकता है एग्जाम में, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जिंक जब आपने H2SO4 डाला जिंक ग्रैन्यूल्स में, तो जिंक SO4 में कन्वर्ट हो गया ना सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया और साथ में क्या इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। सिंपल सी बात है, इजी बात है, कोई बात नहीं। अब आते नीचे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, सेम कुछ आपकी एक्टिविटी होगी वही है। अब इसमें जो है आपका किस में पहले डाला था एसिड में, अब डाला है बेस में। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ही देखिए इधर आइए, एक होता है एसिड जैसे मैं आपको बता दिया और एक होता है बेस। एसिड कुछ एग्जाम्पल ले लो, एसिड मतलब H2SO4 हो गया या CH3COOH हो गया या आपका HCl हो गया। बेसिस क्या होगा, COOH हो गए या KOH हो गया या NaOH हो गया, ये सब का आपके बेसिस हो गए, समझ रहे हो, HCl CH3COOH HCl या क्या नाम है, बहुत सारे HNO3, ये सब आपके क्या हो गए, ये आपके एसिड्स हो गए। ठीक है, जो आपके ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में, और जो आपके बेसिस है उसके एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, COOH हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, सब क्या हुआ है बेसिस। ठीक है, सब बातें हो गई। NaOH में आपने जिंक डाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, NaOH प्लस ZN क्या बन गया, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट कहते हैं उसे, याद कर लेना इसका। मैं आपका टेस्ट भी लूँगा इसके बाद, हाथों हाथ टेस्ट लूँगा, मैं नहीं देता बाद में टेस्ट, मैं आपका हाथों हाथ टेस्ट लूँगा, तो मैं देखना चाहता हूँ आपको कितना आता है, मैं आंसर पूछूँगा, मैं आंसर करूँगा थोड़ी देर बाद। टेस्ट ट्यूब ए देखिए, Na2CO3 प्लस HCl NaCl प्लस H2 प्लस CO2। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली आपने क्या लिया, दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं ए और बी। ठीक है, दोनों में क्या लिया, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट N2CO3 टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब बी। दोनों में आपने डाल दिया HCl 2 ml का। अब आपने क्या करा, आपने क्या ऑब्जर्व करा, और आपको इसे लाइम वाटर से पास कराना है। सिंपल सी बात है, Na2CO3 है, उसमें आपने HCl डाला, क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, NaCl बन गया, और क्या बना, पानी बन गया थोड़ा, और क्या बना, CO2 बन गया। ठीक है, NaCO3 में डाला तो HCl डाला तो क्या बना, ऑब्वियसली बात है NaCl बना, फिर वापस H2O बन गया और CO2 बन गया। अब CO2 को आपने लाइम वाटर से पास कराया तो क्या बना, CaCO3 और H2O। CaCO3 क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। बेसिकली लाइम वाटर होता क्या है, CaOH2, पता नहीं है तो बता देता हूँ मैं सारी बातें आपको, बस रिवाइज़ करना चाहूँगा, पीछे जितनी बातें पढ़ी हैं इस डब्बे में मैं रिवाइज़ करेंगे सारी, क्योंकि इस बातें मैं आपको बीच में रिवाइज़ कराता रहूँगा तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर होता जाएगा। तो सुनिए मेरे साथ वापस, आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन की बात कुछ याद नहीं हो रहा, घर पढ़ा रहे हैं, मुझे याद तो कुछ नहीं रहा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा, सर बैठे तो यार याद कराते हैं अभी सब आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है ब्रो, आओ देखिए मेरे साथ शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास क्या थे, Na2CO3 थी, और क्या था आपके पास, Na2CO3 थी, आपने क्या डाला, HCl डाल दिया। तो क्या लिखे हुए, मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको, ठीक है, Na2CO3 था, ठीक है, साथ में हमने क्या डाल दिया उसमें, HCl डाल दिया, क्या डाल दिया, HCl डाल दिया भाई,
ठीक है, एक्स्ट्रा डाल दिया। अब क्या इवॉल्व हुआ, अब क्या इवॉल्व हुआ मुझे बताइए ज़रा आप। ये मैं ऐसे कर लेता हूँ अभी। अरे यार ये तो गलत हो जाता है, ये कोई बात नहीं बच्चों, ऐसी प्लीज़ मैनेज कॉर्पोरेट, थोड़ा माफ़ी चाहेंगे आपसे। अब यही लाइन में माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, ऐसा कुछ गलत हो गया ये यार। बच्चों वापस बना रहा हूँ मैं ये, ठीक है, उस समय आगे जगह भी थोड़ी काफ़ी जगह थोड़ी ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बताना चाह रहा था बच्चों, मैं सिंपल से आपको सारे, बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि आपको सब याद हो जाए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा Na2CO3। अच्छा क्या कहते हैं इसे, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट, ठीक है। प्लस में क्या हमने करा है, प्लस में डाल दिया हमने HCl, ठीक है, HCl डाल दिया, क्या बात हो गई। HCl क्या होता है, एसिड होता है, Na2CO3, ठीक है। अब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में हमने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, क्या कहते हैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई, कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। HCl डाल दिया, अब क्या बनेगा, क्या इवॉल्व होगा, बैलेंस आप खुद करना है। NaCl बन जाएगा भैया, और क्या बनेगा भैया, भैया बन जाएगा हमारे हिसाब से, हमने पढ़ा था ऊपर कुछ कुछ याद आ रहा है, H2O बन सकता है शायद, H2O क्या था, पानी होता है। साथ में क्या इवॉल्व हो रही थी, CO2 इवॉल्व हो रही थी, ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जांपल क्या था, दूसरा एग्जांपल भी सिंपल था, वो एक था NaHCO3, वो क्या होता है बच्चों, वो मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, वो भी आपका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। साथ में क्या इवॉल्व हो रही थी, NaCl इवॉल्व हो रहा था, NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है यार, कुछ बात नहीं, NaCl होता है सॉल्ट, ठीक है। और क्या इवॉल्व होता है, H2 निकल रही थी, और क्या निकल रहा था, और भैया निकल रही थी हमारे CO2, सेम चीज़ तो निकल ली दोनों ने, हाँ बस आपको बैलेंस आउट करना है दोनों को, ठीक है, बैलेंस आउट करने का काम आपका है। और क्या पढ़ा, और CO2 को इससे पास करा रहे थे, लाइम वाटर से पास करा रहे थे, लाइम वाटर क्या था, CaOH2, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि कम स्पेस बचा तो मैं जो इंपॉर्टेंट बातें वो कवर करा रहा हूँ आपकी, ठीक है। अब क्या था हमारे पास, HCl था, और क्या था हमारे पास, जिंक ग्रैन्यूल्स थे, ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स थे, और उस क्या डालते हैं हमने उसमें, ZN डाल देते हैं, HCl में क्या डाल देते हैं, ZN, ठीक है, HCl में डालते हैं हम ZN, आइए HCl में अगर हम ZN डाल देते तो क्या बन रहा था, ZN क्या होता है, जिंक, ठीक है, जिसे बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो समझ में आ रहा है बस आपको, इतना मैं आशा करता हूँ। और क्या बन रहा था, ZnCl2, यह आपने ले रखा था वैसे, और साथ में क्या इवॉल्व हो रही थी, साथ में इवॉल्व हो रही थी आपकी H2, ठीक है, बस इतनी सिंपल सी बात है। और क्या था हमारे पास, था NaOH भी था, और NaOH में जिंक डाल लेते क्या बन रहा था, NaOH, और साथ में क्या डाल लेते जिंक, क्या डाल देते जिंक, ठीक है, क्या बन रहा था, Na2ZnO2, क्या बना, क्या होता है ये, जो होता है सोडियम जिंकेट, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, मेरा मकसद ये था इन सबको याद कराया जाए। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई यहाँ पे, कि Na2CO3 यानी कि क्या होता है ये, सोडियम कार्बोनेट डाला हमने, क्या HCl, क्या बना NaCl, साथ में क्या निकली H2O, और क्या निकली CO2, ठीक है। NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में डाली हमने, क्या HCl, साथ में क्या निकला NaCl, और क्या निकला H2O, और क्या निकला CO2, HCl प्लस ZN। HCl क्या होता है भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जिंक के क्या डालने हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स डालने हैं। क्या निकलेगा भैया, भैया निकलेगा ZnCl2। क्या इवॉल्व हो रही है भैया, H2O इवॉल्व हो रही है, सब बातें इंपॉर्टेंट है। NaOH में डाला जिंक, तो क्या निकले, सोडियम जिंकेट फॉर्म में, याद रख लेना, ये थोड़ा बेकार तरीके से लिखा है, तो जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे आपको याद करना है, ये पर समझाने के लिए लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। मेरे पास अभी इतना अच्छा वो नहीं है पेन, इसलिए बता नहीं पाया आपको अच्छे से, वरना पेन अच्छा होगा तो मैं और अच्छे समझा पाऊँगा आपको, कोई बात नहीं। अभी मुझे कहाँ लिखा था वो, सोडियम जिंकेट, ये आपको ऐसे लिखते हैं ना, Na2ZnO2, ठीक है, वही बताया था पर अलग तरीके से बता देता हूँ। Na2ZnO2, NaOH, सेम बातें बताई हैं आपको। अच्छा आपका यहाँ पे H2SO4 था, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, पर HCl था आपका आ सकता है, इसमें लिखा H2SO4, आपका HCl आ सकता है। दोनों एसिड में अगर आप मेटल डालोगे तो आपकी हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी, वाली बात याद रखना, और सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, गलत कुछ बताता नहीं हूँ, सही बताता हूँ सारी बातें, ठीक है। आइए बच्चे, सब बता दिया मैंने आपको, क्या मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, क्या इवॉल्व होगी बताइए, सॉल्ट इवॉल्व होगा, H2O इवॉल्व होगी, CO2 एग्जांपल इवॉल्व होगी। क्या एग्जांपल दिया था, NaHCO3 प्लस डाला था HCl, NaCl निकल रहा था, H2O निकल रहा था, CO2 निकल रहा था, ठीक है, NaCO3 डाला था, Na2CO3 साथ में डाला था HCl, और क्या निकल रहा था, NaCl निकल रहा था, H2O निकल रहा था, CO2 निकल रहा था, ठीक है। सब बातें इंपॉर्टेंट है, और जब आते हैं आज कर लो, और यार ये बात सुन लो यार, मैं छोड़ने जा रहा,
ये छोड़ो, यहाँ चाहिए भी छोड़ दिया। ये सी ओ एच पे सी ओ टू क्या निकला था, सी ए सी ओ थ्री विच इज वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ ये वाली बात आ सकती है भैया, हमने अगर एक्सेस में पास कर दी कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो सी ओ सी थ्री बन गया, अब इसमें वापस हम सी ओ टू पास करे जा रहे हैं, सी ओ टू पास करे जा रहे हैं, तो क्या कंडीशन आएगी यहाँ पे, तो ये वाली कंडीशन आएगी बच्चों, क्या बन जाएगा सी ए एच सी ओ थ्री, क्या बन जाएगा सी ए एच सी ओ थ्री। ठीक है, यारी बार में बन जाएगा सी ए एच सी ओ थ्री, यारी बार में इंपॉर्टेंट है। ठीक है ओके बच्चों, ऐसे आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, वरना मैं बीच बीच में सारा आपको बातें रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर एसिड और बेसिस साथ में ऐड करते हैं तो मैंने क्या बताया था, सॉल्ट बनता है। एन ए एच क्या होता है, बेस। एच सी एल क्या होता है, एसिड। क्या बना, सॉल्ट। एन ए सी एल सॉल्ट, बचपन में सुनते हैं एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड, आजकल जेठा लगे में सुनते हैं एन ए सी एल, है ना। आइए, बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है ओके, नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड क्या होगा, दिमाग लगाओ। नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस, बताओ बताओ बताओ, अभी नीचे आते हैं। चलो जैसे बेटा आपको मैं बता बात कहना चाहता हूँ कि मेटालिक जो होती है ना, मेटल्स बेसिकली आपके पता क्या होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड जो है, मेटल्स बेसिकली आपके होते हैं बेस, थोड़ा बेसिक नेचर होता है मेटल्स में, और नॉन मेटालिक्स में थोड़ा एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, पहली बात इंपॉर्टेंट है, मेटालिक ऑक्साइड में अगर आप डालोगे एसिड तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड में अगर बेस डालोगे, नॉन मेटालिक का बताया मैंने आपका, एसिडिक नेचर होता है थोड़ा, और उसमें क्या डालोगे बेस तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लो वाली बातें, एग्जाम में जाती हैं। क्या बताएं, यूज होता है रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन, ये सब ये हाँ अच्छा, कैल्शियम यूज होता है रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी, अच्छा अच्छा वही वाली बात आ रही था। हाँ सही बात है, आपने देखा सी ए ओ एच टू ऊपर देखा था लाइम वाटर वाला, याद है, अरे याद है तुम्हें, याद नहीं है भूल गए, इतियल में इतियल में भूलना तुम चाहिए यार आपको, तो सुनो मेरे साथ बच्चों, सी ओ एच टू क्या है, ये क्या है, लाइम वाटर है यार भैया, अभी तो बताया था, इतना इतनी बुरी याददाश्त भी नहीं है हमारी। क्या डाल रहा था उसमें, सी ओ टू डाल रहा था भैया, क्या निकल रहा था भैया, भैया निकल रहा था सी ए सी ओ थ्री, क्या निकल रहा था सी ए सी ओ थ्री, से बताओ भैया यही निकल रहा था, हाँ भैया यही निकल रहा था, अरे नहीं नहीं ये नहीं निकल रहा था, कुछ और बताओ, कुछ और निकल रहा था, अरे भैया यही निकल रहा था, अच्छा तो यही लिख देते हैं यार, सही बात है, सी ए सी ओ थ्री निकल रहा था भाई, सी ए सी ओ थ्री। ठीक है, और इसमें वापस में एक्सेस में पास कर रहे थे, क्या निकल रहा था याद है, चलो कमेंट सेक्शन में बताना आपको। ठीक है यार, कुछ चूज खुद भी बताओ, ओके ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन हाइड्रोक्साइड विच इज द बेस रिएक्शन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, बता दिया आपको अगली बार, अच्छा मैं वाटर भी ऐड हुआ, हाँ वाटर भी ऐड कर लेना इसमें। अब आते नीचे, बेसिकली यार मतलब क्या है, एसिड हो गए या बेसिस हो गए, एसिड जो होते हैं बच्चों, मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक आप ना चलो ये बात कि एसिड हो गए तो उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ये बेसिस क्या होगा उसमें क्या होता है, आयंस होते हैं। एसिड में कौन से आयंस होते हैं, एच प्लस आयंस होते हैं, बेसिस में कौन से आयंस होते हैं, ओ एच माइनस आयंस होते हैं। अब मैं आपको उसमें एक एक्टिविटी है वो समझाऊँगा, क्योंकि वो एक्टिविटी बोर्ड में आ जाती है कभी। ठीक है, टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड फिक्स टू नेल्स ऑन अ कॉक एंड प्लेस अ कॉक इन 100 ml बीकर कनेक्ट अ नियरेस्ट टू टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच एज शोन, नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट रिपीट विद हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, फिर करो आप ग्लूकोज के साथ और करो अल्कोहल के साथ। आपको क्या लगता है बच्चों, आपको क्या लगता है कि इसमें बल्ब जल जाएगा, बताओ 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 बताओ, अरे सर हमें नहीं पता, अरे थोड़े दिमाग तो लगाओ, सर ने पिटा हिंट दे दिया ना आपको, क्या एसिड में क्या होते हैं एच प्लस आयंस होते हैं, बेसिस में क्या होते हैं ओ एच माइनस आयंस होता है, तो एक हिंट दे दिया, एक हिंट मिल गया आपको, तो बताओ किस में बिल हो सकता है। अरे भैया मुझे लग रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, और हमारा शायद से भैया HCl में भी ग्लो हो सकता है भैया, पर क्या ग्लूकोज में या अल्कोहल में ग्लो नहीं होगा, चलो आओ जानते हैं, आइए नीचे आते हैं, जानते हैं कि ग्लूकोज में ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। द बल्ब विल ग्लो इन द केसेस ऑफ एसिड्स एज शोन, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्टिविटी। हाँ भैया हम सही थे, ग्लूकोज और अल्कोहल में डाउट था, उसमें ग्लो नहीं हो रहा है। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द सॉल्यूशन, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड आउट बाय आयंस।
एसिड में होता है एच प्लस आयन्स, एनायन सच एज सी एल माइनस और एन ओ थ्री और एच ओ टू माइनस फोर होता है आपका, ठीक है, सब आयन्स होते हैं आपके। एच सी एल में होगा सी एल माइनस आयन, एन ओ करेक्ट एन ओ थ्री में होगा एन ओ थ्री माइनस आयन, या सी एच थ्री सी ओ एच में सी एच थ्री सी ओ माइनस आयन होगा, तो सब बातें हैं। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज एच प्लस थ्री एच प्लस, इट जस्ट द एसिड प्रोड्यूस एच हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है। तो बेसिकली एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका बत्ती जला देते हैं, ठीक है, कैसे कि उसमें आयन्स होते हैं, फ्लो ऑफ आयन्स की वजह से आपका करंट फ्लो कर जाता है। अब यहाँ पे क्या बात है बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये सब बहुत ही छोटा चैप्टर है, वैसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है आपका, सिर्फ 20 मिनट की वीडियो बनी है मात्र, और हमारे टाइम पे इतने बड़े बड़े चैप्टर हुआ करते थे, छोटा चैप्टर है। कटावा तो होगा नहीं आपके में, अब कटावा है तो हटा देंगे, ठीक है, अब हम बड़ा बुला देते हैं आपको। देखिए आइए, एच सी एल प्लस एच टू बनता है आपका एच थ्री ओ प्लस प्लस सी एल माइनस। एच थ्री ओ प्लस क्या होता है बच्चों, एच थ्री ओ प्लस होता है आपका हाइड्रोनियम आयन, क्या होता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है आपका, तो पढ़ते हैं बात को कि हाइड्रोजन आयन्स एंड एच सी एल प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सेपरेशन ऑफ एच प्लस आयन्स फ्रॉम द एच सी एल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आल्सो कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, द हाइड्रोजन आयन्स मस्ट हैव बीन शोन एच प्लस और हाइड्रोनियम आयन एच थ्री ओ प्लस, वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव एच थ्री ओ प्लस और एच प्लस आयन्स वाटर, लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब बेस डिसॉल्व होगा वाटर में तब क्या होता है बताओ, जब एच सी एल में हमने एच टू डाला तो हमें क्या मिल रहा है, अरे यार बहुत ख़राब आ रहे हैं, हटा ही दो, हटो हटो तुम, हटो तुम ख़राब कर रहे हो सारी बात को, तुम्हें रेस कर जाते हैं हम, हटो 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 हटो, आओ तुम आओ, तुम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ तो क्या कहना चाह रहे हैं, तब एच सी एल में हमने क्या डाला, एच टू, एच टू क्या होता है पानी, ठीक है, एच सी एल में डाला एच टू, क्या डाला एच सी एल में, एच सी एल क्या होता है एसिड, उसमें डाला पानी, क्या निकला एच थ्री ओ प्लस, एच थ्री ओ प्लस क्या होता है सी एल माइनस, एच थ्री ओ प्लस सी एल माइनस, एच थ्री ओ क्या होता है, एच थ्री ओ होता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन क्यों बना, क्योंकि एच प्लस एग्जिस्ट अकेले नहीं कर सकता, इसलिए वो वाटर के साथ कंबाइन होके बना रहा है आपका हाइड्रोनियम आयन। बच्चो एन ओ एच में अगर एच टू डाला तो एन ए प्लस निकला और ओ एच माइनस निकला, ठीक है, के ओ एच में डाला वाटर तो के ए प्लस निकला और ओ एच माइनस निकला, बेसिस जनरेट हाइड्रोजन ओ एच माइनस आयन्स इन वाटर, बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर अल्कोहल अल्कलीज, एग्जाम्पल डिफरेंस आता है जो मैं बताऊँ आपको, एक क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपको बताता हूँ मैं आपको, आपके बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है एक, यहाँ तक तो दो तक दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, एक आपका बन सकता है बच्चों एसिड और बेसिस के बीच में डिफरेंस, ठीक है, ओके, एक क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है आपका वो वाला क्या नाम है एन ए टू सी ओ थ्री प्लस और एच सी एल, वो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जो बता रहा हूँ नोट करो, ठीक है, वो जो तीन फॉर्मूले दे रखे हैं ना एन ए टू सी ओ प्लस एन ओ टू सी ओ थ्री का एन ए सी एल प्लस एच सी एल गिव्स एन ए सी एल और सी ओ टू प्लस एच टू ओ एन ए एच सी ओ थ्री प्लस एच सी एल गिव्स एन ए सी एल प्लस एच टू प्लस सी ओ टू, और क्या उसके नीचे एग्जाम्पल दे रखा है सी ओ टू को हमने क्या डाला लाइम वाटर से पास कराया तो क्या निकल रहा था सी ए सी ओ थ्री प्लस एच टू ओ और सी ओ सी ओ थ्री में वापस हमने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो फिर क्या निकला, वो सब बातें इंपॉर्टेंट है वो सब नोट करो, ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो भी है एच सी एल प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स, वो भी आ सकता है, बस कुछ है नहीं एच टू गैस इन्वॉल्व हो जाती है थोड़ा आ सकता है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ा हमने अब तक, और एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी कि जो हमारे कुछ ना आ सकता है बताएं आपका आ सकता है इनमें से कौन सा आपका, जैसे कि तीन चीज़ आपको गलत देंगे और एक चीज़ सही देंगे, जैसे कि आ सकता है ग्लूकोज या अल्कोहल और आपका एच सी एल, इनमें से कौन सा करंट करंट जनरेट करेगा या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा किस केस में, तो आपको क्या लिखना है एच सी एल वाले केस में आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा या एच टू एस ओ फोर वाले केस में आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ आ सकती हैं, बेसिक चीज़ें हैं, और ये आ सकता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिस और अल्कलीज में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, सब बात इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ वो नोट करो, ठीक है। अब क्या है एसिड का बेसिस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, तो बेसिकली एच टू ओ निकलता है और सॉल्ट निकलता है, कैसे एग्जांपल बताओ, एच सी एल प्लस हम एग्जांपल ले लेते हैं एन ओ एच का, तो क्या बन जाएगा एन ए सी एल बन जाएगा और एच टू बन जाएगा, सी ओ एच
प्लस HCl का बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। तो ये सब बातें हैं, ये जो बोल रहा हूँ नोट करिए, NaOH प्लस HCl का बताया मैंने, NaCl प्लस H2 और CaOH प्लस HCl बन जाएगा आपका CaCl2 प्लस H2O। बेसिक बातें हैं। अब यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, चलो आपसे मजा करा जाए, बात करिए आपसे, आप बताइए सोच के कि एसिड के अंदर वाटर डाला जाए या वाटर के अंदर एसिड डाला जाए। क्या बोल रहा था समझ में नहीं आ रहा, एसिड के अंदर वाटर डाला जाए कि वाटर के अंदर एसिड डाला जाए, कितना कन्फ्यूजन से बात कह रहा हूँ ये, है एसिड के अंदर वाटर डाला जाए कि वाटर के अंदर एसिड डाला जाए, बताओ 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 भैया। अगर एसिड के अंदर वाटर डाल दिया ना, अगर एसिड के अंदर वाटर डाल दिया ना आपने, तो भैया ब्लास्ट हो जाएगा, हाथ फट जाएंगे, हाथ खराब हो जाएंगे, जल लेंगे हाथ, क्यों भाई भैया इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा ना, मतलब कि कर मत देना, मजाक कर रहा हूँ मैं, ये जो बात है ना बोल रहा हूँ सुनिए उसे, कि कभी भी एसिड में वाटर मत डाल देना, वैसा आपके टीचर बता देंगे आपको लैब में, कभी कर मत देना वाटर के अंदर हम एसिड डालते हैं, ठीक है, वाली बात इंपॉर्टेंट है सुनिए अच्छे से, ठीक है। आइए इनसे आते हैं, तो ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगा यार। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर हाईली एक्सोथर्मिक, वन केयर मत भी टेकें वाले मिक्सिंग कंसिडरिंग नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, वाटर एसिड मत भी अलर्ट सोडी एडेड टू द वाटर विद कंसिडरिंग ए वाटर एड टू कंसिडरिंग एसिड हाईली एसिड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स, ठीक है। मैंने बताया ना कि हाथ वाथ जल जाएंगे, बहुत बर्न्स हो जाएंगे यार, गलत है, मजाक की बात नहीं है, ऐसे कभी भी मत ट्राई मत करना बच्चे, बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। कभी भी आपको एसिड के अंदर वाटर डालना है, बहुत तेज फट जाएगा, पूरा बॉटल फट जाएगी, जल बल जाओगे, कर मत देना कभी, ठीक है, ओके। मिक्सिंग एन एसिड विद विद वाटर रिजल्ट इन डिग्रीज ऑफ OH माइनस आयन, सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको OH माइनस, क्वेश्चन पता क्या बनता है मैं बताता हूँ आपको, OH माइनस या आपको H प्लस आयन्स अगर घटाने हों तो क्या करोगे, तो आपको ऑप्शन मार्क करके आना है डाइल्यूशन, फालतू फालतू ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको मार्क करके आना है डाइल्यूशन, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इन क्वेश्चन में, क्या आई है हमने इतना सारा इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, इन क्वेश्चन में क्या आई है, आप खुद ही करके आओगे, होमवर्क लिख देता हूँ, होमवर्क, इन क्वेश्चन में क्या ही रखा है यार, आप खुद सोचे, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लिए हमने, इतने बढ़िया बढ़िया, मैंने आपको पूरा चैप्टर यहाँ तक इतना बढ़िया पढ़ा दिया, अगर नहीं पढ़ाया तो माफी चाहूँगा यार, पढ़ा दिया अच्छे तरीके से, वैसे आप खुद जानते हो अच्छा पढ़ाया सबने, अगर नहीं पढ़ा तो माफी चाहूँगा, पर मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, NCERT बहुत बार बार बोल दिया मैंने आपको, बात तो याद हो गया होगा, मैं कह रहा हूँ उस वीडियो को 3-4 बार देख लेना, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क है, करके आना है, और जो क्वेश्चन समझ में आए सारे समझ में आए, सारे बोल दूँ सर, सारे नहीं आ रहे कमेंट सेक्शन में, वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वीडियो लेके आ जाऊँगा। नीचे आते हैं, हाँ यार ये क्या ही है, ये क्या ही है, ये बच्चों वाली चीज़ है यार, सात से नीचे होता तो होता है एसिडिक, सात से ऊपर होता है बेसिक, ठीक है, जितना ज़्यादा अगर 1 होगा तो बहुत ज़्यादा एसिडिक, या 14 होगा तो बहुत ज़्यादा बेसिक, ठीक है, सिंपल सी बात। पोटेंस क्या होता है, pH होता है ना, pH स्केल, ये होता है pH स्केल, ये होता है पोटेंस, ये होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन तो होता ही है, हाँ बस इतनी सी बात है यार, कि अगर 7 से नीचे होता है, 7 से कम होता जाएगा तो एसिडिक होता जाएगा, 7 से ऊपर होता जाएगा तो बेसिक होता जाएगा, ठीक है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी तो बात है, ठीक है, और कुछ बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये पढ़ के चल जाना, मुझे लग रहा है ये आ जाएगा कुछ, ठीक है, ये सब आ जाता है, और यहाँ पे ये बहुत सारे एसिड के नाम दे रखे हैं, वो सब आएगा, कहाँ है वो, यहाँ पे आता है नीचे कर रखा है वो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये वैसे आपको बेसिकली याद होते हैं, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कौन सा, CH3COH होता है, उसमें सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पाएंगे तो उसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले ये बात पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव, तो बॉडी हमारी किस में काम करती है, 7 से 7.8 में pH ऑफ रेन वाटर होता है लेस देन 5.6, अगर ऐसी कंडीशन हो जाएगी भैया pH रेन वाटर का 5.6 से कम हो जाए तो वो उसे कहते हैं एसिडिक रेन, सुना होगा कि एसिड रेन हो रही है, ठीक है, बच्चों ने पढ़ रहे थे, वहाँ एसिडिक फ्लो रिलेटेड रिवर इट क्लोज द pH ऑफ द रिवर वाटर, और इसमें जो है बच्चों जो फिशेज वगैरह होती हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं, उनकी जीवन का खतरा हो जाता है, ठीक है, तो pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, ये सब आप चेक कर सकते हो, ठीक है। pH और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नोट दैट आर स्टमक प्रोड्यूसर्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसर टू मच एसिड्स एंड दिस इज कॉल्ड स्पेसल इरिटेशन। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत लोगों को इनडाइजेशन की वजह से उनके पेट में जलन हो जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। हमारा पेट जो होता है उसका भी स्पेसिफिक पीएच लेवल होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी स्पेसिफिक पीएच लेवल होता है। ठीक है, हमारे पेट में क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका हद से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो आपका जो है क्या हो जाएगा, पेट में जलन हो जाएगी। बच्चों जो भी होमवर्क दिया है आपको होमवर्क करके लाइएगा, मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, धन्यवाद। और सारे बच्चों को वाली वीडियो शेयर करिए, जितना आप शेयर करोगे उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद, 100 बच्चों को शेयर करिए, 100 मार्क्स आएंगे। चलिए, थैंक यू।